ना थर्ड 16th of October और कल से एज ऑल ऑफ यू नो की नवरात्रि शुरू है और ये जो दिवाली वाली नवरात्रि होती है इसमें हम जौ उगाते हैं और उसके लिए हम कुछ सामान लेने मार्केट जा रहे हैं। तो क्या क्या लेने जा रहे हैं? हम लेने जा रहे हैं एक खेतड़ी के लिए बाउल मिट्टी का, नारियल, ठीक है, घड़ा, जौ और सूची मिट्टी और दिया, जिससे हम नवरात्रि की दुर्गा माता की हम पूजा करेंगे 9 दिन। तो उस सब के लिए आपको एडवांस में हैप्पी नवरात्रि, हैप्पी नवरात्रि। तो चलो मार्केट चलते हैं। नारियल वाले, माता के श्रृंगार वाले ही आयो? तो छोटे नहीं सारे। उनसे पूछ लो कितने का देंगे। मेरा छोटे बड़े ये 40 रुपए का, ये 30 रुपए का, ये 20 रुपए। ना ना जी, रेट है कि नहीं? अच्छी है जी, बड़े भी रखो, बड़े भी तो सारे, इतना भी बड़ा नहीं है ये तेरा ना। और ये माता रानी की मूर्तियाँ भी बढ़िया हैं, यहाँ घड़े वगैरह गुल्लक सब पड़ा है, पर इस टाइम थोड़ा महंगा दे रहे हैं, ड्यू टू इस टाइम नीड ज़्यादा होती है लोगों को। और ये क्या है? ये जौ है ना? ये जौ है जिससे हम दुर्गा माता की खेतड़ी उगाते हैं और उससे हमें पता चलता है कि वो हमें कितना ब्लेस करती है। तो अभी हमने ले लिए ये दो गमले, क्या है ये जो भी है कटोरी सी, एक लिया हमने और माता रानी के पानी और क्लश के लिए हमने ये लिया, हम लेंगे माता रानी की। तो अगर आप भी जौ लगाते हो तो आपको पता होगा क्या क्या सामान आता है, मेरे को तो नहीं पता, वैसे मम्मी लगाते हैं। तो आज काफ़ी रश था, भी वैसे इतनी रश नहीं रहती आजकल मार्केट ड्यू टू, आपको बताइए क्यों, लेकिन आज रश है क्योंकि कल है नवरात्रि, तो उसके लिए सारे सामान लेने आए हैं, तो इस करके इन्होंने रेट भी चक्के हुए हैं थोड़े। वैसे जो नॉर्मली चीज़ 10 की मिलती है 20 की मिल रही है, 20 की मिलती है वो 40 की मिल रही है, राइट? बिल्कुल जी। तो ये आ गई चुन्नी की दुकान, श्रृंगार का सामान भी यहाँ पर है, देखो अगर कुछ पसंद आता है माता रानी के लिए। तो वेलकम बैक टू द चैनल, और कैसे हो सारे? कैमो तो आज हाथ नहीं चलेंगे क्योंकि हाथ में है सारा भारी सामान, मिट्टी भर के बहुत भारी हो चुका है, और हमारी माता श्री थोड़ा बहुत सामान उठा के चल रही हैं, पर सामान तो ज़्यादा लेकिन हल्का ही, ये ज़्यादा भारी है। तो चलो अब घर या कुछ और काम है? नहीं, घर चलते हैं सीधा। तो अब घर चलते हैं क्योंकि बाहर लाइटिंग भी इतनी है तो वीडियो भी इतनी क्लियर नहीं बनेगी। तो अभी हम आए हैं मंदिर को क्योंकि मम्मी का कहना है कि कल से मंदिर होने वाले हैं क्लोज्ड, और हमने शुभम को बुलाया सामान ले जाने के लिए, और शुभम को डांट पड़ने वाली है। वहाँ से क्यों आया? अरे यार वो कुत्ते बैठे हुए, कुत्ते बैठे तो कहीं वहाँ से आना, पार्क के बीच में से यहाँ पे, ठीक है ना? बता पहले, गर्लफ्रेंड ठीक है तेरी? शिवम जी आप टीचर हो रहे हैं, ये पूजा का सामान है। तो मंदिर आए हैं, वैसे आरती हो रही है, पीछे शिवम डांट खा रहा है, खाने तो ज़्यादा रश नहीं करते, तो चलते हैं अंदर क्योंकि कल से रश होगा, तो मंदिर क्लोज होने वाला, बाहर बाहर से ही मत्था टेकना पड़ेगा। तो चलिए मंदिर के आपको भी दर्शन कराते हैं। सनातन धर्म की जय, सिद्धेश्वर धाम की जय, सत ब्रह्म की जय, जय काले विष्णु सनातन धर्म की जय, श्री कृष्ण गोविंद। द नेक्स्ट डे हाँ साले सारा सारा कुत्तू कुत्तू सारा सारा कुत्तू ना तो इसकी तो साले की मस्ती ऐसे दिन भर चली रहती है, मतलब सुबह उठता है, सबको उठाता है, घूमता फिरता है, खाता पीता है, मस्ती करता है और सो जाता है, मतलब इसकी लाइफ में नो टेंशन नो फेयर ओनली फन। अपना क्या होता है, कभी करियर की टेंशन, कभी स्कूल की टेंशन, कभी घर वालों की टेंशन, टेंशन ही टेंशन रहती है। पर चलो टेंशन असाइड, इट्स द नेक्स्ट डे। कल बिल्कुल व्लॉग नहीं कर पाया क्योंकि फर्स्टली फ़ोन की बैटरी खत्म हो गई थी, सेकंड घर आया बहुत ज़्यादा टायर्ड था दिन भर का, तो सीधा घर आके अपन सो गए और बिल्कुल भी व्लॉग नहीं किया। तो इट्स 17th of October, फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रि, तो आप सबको हैप्पी नवरात्रि, एंड आई होप दुर्गा माता आप सबके घर आके आपकी सारी वरीज ले जाएँ और आप सबको हैप्पीनेस और बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें। तो सीन ऐसा है, मम्मी ने जौ बीज दी है, बट सॉरी आई कैन नॉट शो यू क्योंकि ऐसा कहा जाता है लास्ट डे तक अपने घर की जौ किसी को नहीं दिखानी चाहिए। आई नो आप भी फैमिली हो बट समझ सकते हो, राइट? तो वो लास्ट दिन में दिखाएंगे आपको, और अभी मम्मी किसी काम से बाहर गए हैं तो आज हमें खाना बाहर से जाके लाना पड़ेगा,
ऑल तो मैं जोमेटो से ऑर्डर कर सकता हूँ, बट जोमेटो में पता है क्या सीन है कि इस टाइम हमें चाहिए होता है हाइजीनिक खाना कि जहाँ ढंग से बनाया गया हो, क्योंकि आपको पता है क्या सीन चल रहा है, तो पता नहीं होता उसमें कि कहाँ कैसे बनाया गया, रेटिंग दी होती है बट यू कैनॉट सी हाउ दे आर कुकिंग। तो टीम हमारी काफ़ी अच्छी और मेन बात हाइजीनिक शॉप्स हैं जो खाना बनाती हैं, तो वहाँ चलते हैं, खुद लेके आते हैं, खुद की आंखों से लाया गया, पता लगता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा। तो अभी वैसे कुछ डिसाइड नहीं किया है कि क्या लेके आना है क्या खाना है, वहीं जाके देखेंगे मेनू देख के। तो चलो लेट्स गो। तो अभी हम जा रहे हैं मार्केट की तरफ और आज हमारे साथ हैं फिर से शुभम थापा जी। तो अभी सीन ऐसा हम सिर्फ सब्जी लेने जा रहे हैं, पहले प्लान किया था कि रोटी भी ले लेंगे, पर फिर हमने सोचा रोटी तो घर की खाई जाए, तो रोटी बनाने में हमारे पास एक शेफ़ है, शेफ शुभम रेसिपी ले लेंगे, मतलब कैमरे में भी एक्सपर्ट, रोटी में भी एक्सपर्ट और लड़कियां फंसाने में भी एक्सपर्ट। नहीं, वो नहीं। बस बस हम जानते हैं। तो पहले बनाता था नक्शे एकदम इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश सबके, अब धीरे धीरे इसके गोल बनने लगी हैं रोटियां। बस भाई मिस तो कर दें, हैप्पी नवरात्रे, हैप्पी नवरात्रे, जोर से हैप्पी नवरात्रे। तो चलो चलते हैं, जरूर बोलना। हाँ तो चलो चलते हैं, देखते हैं कि क्या सब्जी ली जाए, क्योंकि अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है। तेरे को क्या लगता है क्या लेना चाहिए, क्या खाएं? देखते हैं जाके क्या क्या बना होएगा अभी। तो चलो लेट्स सी व्हाट्स देयर इन द मेनू। ये हमारे यहाँ मोटर मार्केट भी पड़ती है, पूरी रस्ट आउट है अब, और यहाँ तो पूरी मारो मारा, मतलब मोटर मार्केट में बाइक पे बाइक, पहले बीच में बहुत ज़्यादा कम काम हो गया था, लेकिन अब तो आफत मची हुई है, आफत पूरा आतंक मचा हुआ आतंक। और अपनी खाने की शॉप भी आ गई है, तो चलो लिया जाए खाना, भूख भी बहुत लग रही है क्योंकि ब्रेकफास्ट भी बहुत ही ज़्यादा लाइट किया था। तो अभी हम आए थे एट शाहजीज फूड कॉर्नर, मतलब यहाँ प्योर वेज और बहुत अच्छा खाना मिलता है। तो हम क्या ले रहे हैं भाई, क्यों इधर आइए, दाल मखनी एज इधर आ जाए, इधर आ जाए, लाइट कम है। हाँ दाल मखनी हमारी फेवरेट, हमने से थोड़ा स्पाइसी करने को कहा था भाई को, तो कहता पहले टेस्ट कर लो, तो टेस्ट वाइज एकदम सुपर है। तो दो प्लेट पैक कराते हैं और चलते हैं घर की तरफ। अरे हमारी दाल पैक होते हुए और थापा साहब ने डिलीवरी ले ली है, चले थापा साहब, चलो चलो। तो अब चलते हैं घर की ओर और घर जाके बनाते हैं रोटी। भाई मेरे को बहुत भूख लगी है, 3-4 रोटियां तो खाऊंगा अगर अच्छी बनाएगा। जब बना ये भाई इसने ना एक बार क्या किया था, आ जरा बताता हूँ तेरी कारनामे है। एक बार इसने बनाया रोटी, पहली बार रोटी बनाई थी, इसने रोटी नहीं बनाई, इसने क्या बनाया, सैंडविच पापड़, मतलब ग्रिल्ड सैंडविच बना दिया इसने। वो हम खा रहे एक बुड़की सॉफ्ट और दूसरी बुड़की खाओ तो एकदम पूरी करारी, एकदम कड़क 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 पापड़। खाने में मज़ा तो आया था बट वो रोटी वाला स्वाद नहीं आया। और आज तो भाई आज अच्छी रोटी बननी चाहिए, खतरनाक बनेगी तो देख लेते हैं कितनी खतरनाक बनती है, अच्छे वे में या बुरे वे में। तो चलो घर मिलते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे शॉर्ट एंड सिंपल ब्लॉग। आई नो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट और सिंपल ब्लॉग है, लेकिन हर ब्लॉग चकमा नहीं हो सकता, राइट? मतलब मैं हर ब्लॉग में आपको ट्रैवल नहीं दिखा सकता, थोड़ी बहुत मेरी सिंपल लाइफ भी होगी। तो अगर इस सिंपल से ब्लॉग में आपको कुछ भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, नया सब्सक्राइब करो, पुराने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब इट, यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एट groupit.sani7। तो चलो जाते जाते एक लास्ट बार आपको हैप्पी नवरात्रि। आई होप ये नवरात्रि के 9 दिन आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां आए और आपकी सारी बरी इसको करके ले जाएं। तो चलो तब तक के लिए शुक्राना बीबी, खुदा हाफिज, बी हैप्पी एंड लिव योर लाइफ लाइक अ चैंपियन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।